तो संडे को पहली बार मेरे घर वालों ने मुझे घर में बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट। ताला लग गया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि न्यूज पे आ रहा था कि दंगे हो गए हैं। और मेरे दोस्त को मेरे घर आना पड़ा मुझे ले जाने के लिए। काफी विश्वास दिलाया उसने कि सिर्फ अफवाह थी, ये था वो था, बट लिटरली जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, हमें खुद घबराहट हो रही थी दिल्ली जैसे शहर में रह के। और फिर हम जब बात कर रहे थे तो मेरी मॉम ने कहा, जो दंगा ही है ना, इनका कोई धर्म नहीं होता। तो हम सोच रहे थे कौन करवा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हिंदू, मुस्लिम, कौन? दंगा ही, जिनका कोई धर्म ही नहीं है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये धर्म की आड़ में सस्ते में बिकते हैं, ये धर्म की आड़ में सस्ते में बिकते हैं, आइए थोड़ी सच्चाई पन्नों पर लिखते हैं। ये वही बंदर है जो बिल्लियों की लड़ाई में सब खा जाता है, ये वही बंदर है जो बिल्लियों की लड़ाई में सब खा जाता है, खुद शांत रहता है, दंगे तुमसे करवाता है। हिंदू मुसलमान में फर्क भी यही करवाता है, वरना भगवान तो हमें सिर्फ इंसान बनाता है। भारी नहीं है शब्द पर हल्के ना समझना, भारी नहीं है शब्द पर हल्के ना समझना, अगर असलम मेरा दोस्त है तो उसके दल का ना समझना। इतनी सी बात क्यों इतनी मुश्किल बन जाती है, इतनी सी बात क्यों इतनी मुश्किल बन जाती है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर बंटवारा करवाती है। हां मैं भगवान में मानता हूं, हां मैं भगवान में मानता हूं, पर अल्लाह के सामने सर भी झुकाता हूं। हां मैं भगवान में मानता हूं, अल्लाह के सामने सर भी झुकाता हूं, इंसान हूं, भगवान से पहले इंसानियत का धर्म निभाता हूं। किस मुल्क का भगवान ये कहता है मेरे घर बनाओ, किस मुल्क का भगवान ये कहता है मेरे घर बनाओ, और नहीं बना सकते तो जाओ अपने भाइयों का खून बहाओ। ये अंधा कानून है सिर्फ खून और सियासत तोलता है, ये अंधा कानून है सिर्फ खून और सियासत तोलता है, आज की डेट में सिर्फ पावर और पैसा बोलता है। ये धर्म के राक्षस तुम्हें नाच नचाते हैं, सच्चाई के नाम पर तुम्हें झूठा कांच दिखाते हैं। इलेक्शन से पहले होते सारे काम क्यों हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले होते सारे काम क्यों हैं, इस देश में झूठे वोट दिलवाना इतना आम क्यों? भूलो मत कुछ भी, सब कुछ तुम याद रखो, भूलो मत कुछ भी, सब कुछ तुम याद रखो, इंसान हो, सिर्फ मंदिर मस्जिद मत बको। कब तक चलेगा ऐसा और कब हम आंखें खोलेंगे, इस देश के हैं ना तो मंदिर मस्जिद छोड़ कब इंसानियत का नारा बोलेंगे। ये उन सब दंगई के लिए जो दिल्ली में दहशत फैलाना चाहते हैं, बेटे तुम दंगा करते रहो, हम पार्टी करते रहेंगे, तुम जितना अनसेफ बनाओगे हम दिल्ली को उतना सेफ बनाएंगे। जय हिंद।